व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट डालेंगे इसकी www.passportindia.gov.in। मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। ये हम पासपोर्ट की मेन साइट पर आ गए। अब इसके बाद हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, डिटेल को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर फिल करेंगे। नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र गाज़ियाबाद, सारी डिटेल पहले फिल करेंगे। अब ध्यान रहे आपके जो डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग्स हैं वही फिल करिए, अगर डिसमैच होती है स्पेलिंग तो वो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं, अप्लीकेशन, पासपोर्ट अप्लीकेशन जो आप डाल रहे हैं, तो केयरफुली डालें। बहुत सिंपल है ये फॉर्म, बस इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसका पासवर्ड को ध्यान से पढ़ें। इसमें आपके नंबर भी होने चाहिए, अल्फ़ाबेटिक के कैपिटल और स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, जैसे @$, इन चार तीन चीज़ों से बन के बनेगा आपका पासवर्ड, चार चीज़ों से। इसको ध्यान से पढ़ ले पहले। तो मैं बनाता हूँ, ये मेरा बन गया पासवर्ड। और हिडन क्वेश्चन, मैं यहाँ फेवरेट कलर ले लेता हूँ। ये इसलिए होता है कि आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसके थ्रू री ओपन कर सकें अपनी साइट। कैरेक्टर फिल करेंगे, ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम अपनी जीमेल की लॉगिन आईडी करेंगे, जो हमारे जीमेल अकाउंट है उसे लॉगिन करेंगे। वहाँ से जाके हमें ये अप्रूव्ड करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जीमेल आईडी वही होगी जो आपने वहाँ डाली थी, उसी पे मैसेज आएगा आपका। कई बार ये 10 से 15 मिनट ले लेता है मैसेज भेजने में, तो थोड़ा वेट कर लेंगे, कई बार जल्दी आ जाता है। आईडी को रिफ्रेश मार के देखेंगे। तो घबराइए मत, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता है, और वैसे 5 से 6 मिनट में आ ही जाता है आपका मैसेज। थोड़ा वेट करेंगे और कंटिन्यू अपनी जीमेल आईडी को रिफ्रेश मारते रहिए।
ये हमारा मैसेज आ चुका है, ओपन करेंगे, ये लिंक है इसको क्लिक करेंगे। और ईमेल आईडी, ये देखिए हमारा अप्रूव हो गया। अब हम गूगल के इसे पासपोर्ट सेवा केंद्र के होम पेज पे चलते हैं। एक्टिवेट हो गया हमारा अकाउंट, लॉगिन पे यहाँ हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। जो हमने पासवर्ड बनाया था स्पेशल पासवर्ड, जिसमें अल्फाबेटिक भी थे, न्यूमेरिकल भी थे, स्पेशल कैरेक्टर भी थे, कैपिटल और स्मॉल लेटर थे, तो हम यहाँ टाइप करेंगे। अप्लाई फॉर फ्रेशर पासपोर्ट और रीइशू पासपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, ऑफलाइन के लिए प्रिंट आउट ले सकते हैं और ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जगह पर हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑफ फॉर्म ऑनलाइन। ये प्रॉपर पेज खुला नहीं है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, मेरा नेट स्लो है, यहाँ क्लिक करेंगे। फ्रेशर, अगर फ्रेशर है तो आप, नॉर्मल में चाहिए तो नॉर्मल, नहीं तो तत्काल के लिए तत्काल, मैं है नॉर्मल कर दिया। 36 पेज, ये साइड ज़्यादा धीमी चलती है इसके सर्वर, क्योंकि ज़्यादा बिजी रहती है ये, थोड़ा मेरा नेट भी स्लो है इसलिए घबराइए मत। अब हम आगे यहाँ हम अपनी डिटेल भरेंगे, ध्यान से भरिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वही स्पेलिंग हो जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो। अगर थोड़ी सी भी एक स्पेलिंग भी मिसमैच होती है तो ये आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इसलिए केयरफुली भरिए, अच्छे से स्टेप को पढ़ें फिर उसके बाद फिल करें। आपका बर्थ प्लेस पूछ रहा है,
अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की डिटेल डाल सकते हैं, वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी डालिए। तो पढ़ लें एक बार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसको ध्यान से पढ़ लें, फिर उसके बाद ही फिल करें। चाहे तो अपन आधार कार्ड नंबर है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली है, जहाँ जहाँ ये स्टार रेड स्टार है वहीं फिल करना है, आपका कंपलसरी है। जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करें, और हर फॉर्म को भरने के बाद उसे सेव करें, सेव माय डिटेल। ज़रूरी नहीं है, भरना चाहे तो भर दें, नहीं तो छोड़ दीजिए उसे आधार नंबर को। वैसे भर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट पेज आ गए हम, यहाँ फादर का नेम, आप अपने फादर मदर का नेम भी डॉक्यूमेंट्स में देख लें, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए, थोड़ी सी भी डिफरेंट, एक भी वर्ड डिफरेंट होता है तो वो कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए केयरफुली इसको फिल करें। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दें इस पर, जब से मतलब जब से आपका जन्म है तब से रह रहे हैं या कब से रह रहे हैं वो डिटेल देनी ज़रूरी है। यहाँ ये आप
का पुलिस स्टेशन, पिन कोड अगर आपका एड्रेस सेम है तो यस करें। नो करेंगे तो ये दो फिल करना पड़ेगा, मतलब फिल करना होगा आपको परमानेंट एड्रेस, नहीं तो अगर आपका सेम है तो यस करें। नेक्स्ट यहाँ कोई मिस्टेक है, अगर मिस्टेक होती है तो ये आपको रेड लाइन अलर्ट दे देगा। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस नंबर, हर एक डिटेल को ध्यानपूर्वक भरें। ये अपने आप किसी भी दो पड़ोसी के नाम या अपने फ्रेंड के नाम यहाँ फिल कर सकते हैं, ताकि अगर इंक्वायरी हो, पुलिस इंक्वायरी हो, तो वो इनसे आपकी इंक्वायरी पूछ सकें। अपने किसी भी दो दोस्तों के नाम या एड्रेस जो आपको जानते हो, फ़ोन नंबर चाहे तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगर आपने कभी पुराना पासपोर्ट अप्लाई करा है उसकी पूरी डिटेल दीजिए, अगर नहीं करा है वो भी डिटेल दीजिए। उसका फाइल नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी सब देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसको नो करके आगे बढ़े। आपने कभी अप्लाई करा हो और वो नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी देना ज़रूरी है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो आप नो करके इसको भी आगे बढ़ें। फाइल नंबर, डेट ऑफ अप्लाई, नेम ऑफ पासपोर्ट ऑफिसर, तो हम फ्रेशर हैं बिल्कुल, तो पूरे ध्यान से पढ़ें केयरफुली। मैं आपसे ये पूछेगा कि आपका कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर तो नहीं चल रहा है, अगर है तो इस डिटेल को यस करें, नहीं है तो नो करें। इसे ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें। तो हम नो नो करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस केस नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा पासपोर्ट कंप्लीट हो गया, मतलब आधा कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ देख लें इसे सही है आपकी डिटेल या नहीं। के बाद यह हमारे पासपोर्ट की प्रीव्यू डिटेल है, वो तो सही से देख लें, ध्यानपूर्वक देख लें, चेक कर लें एक बार।
अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। यहाँ आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं? तो मैं गाज़ियाबाद से कर रहा हूँ। आई एग्री डिटेल ऊपर पढ़ लें, फिर उसके बाद आई एग्री। अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ आपके फ़ोन पे 40 रुपये कटेंगे आपके एक्स्ट्रा फॉर्म में, और आपके मैसेज आएगा तो इसे मैं यस कर। ये सर्विस के लिए कह रहे हैं, मैसेज सर्विस के लिए मैंने नो कर दिया। चाहे तो आप यस भी कर सकते थे उसे। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। चलते हैं व्यू एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन से अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये हमारा फॉर्म आधा कंप्लीट हो गया, अभी इसमें कमी है। व्यू सेव एंड सबमिट। हमारा फाइल नंबर है, नाम को क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं अपलोडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपके कोई भी 4 डॉक्यूमेंट अपने आप यहाँ अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ अप्लाई, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बनाई है। तो यहाँ मैं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करूँगा। ध्यान रहे ये 4 डॉक्यूमेंट आपके PDF फाइल होनी चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, पहले डेट ऑफ बर्थ पर सके था, अब वो नहीं है। चाहे तो लगाइए चाहे तो मत लगाइए, पहले ये कंपलसरी था कि आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, पर अभी ये रूल हटा दिया है। आप इसे फिल करके यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट पे जा सकते हैं, पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करूँगा, दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे हम। हम यहाँ अपनी पेमेंट करके, आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन, और बैंक से चाहते हैं तो बैंक से चालान के थ्रू। मैं यहाँ चालान जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, हमें क्या कहते हैं, जो हमारी अपॉइंटमेंट होगी वो हमारे पेमेंट होने के बाद ही होगी। तो पहले आप बैंक जाके अपनी पेमेंट क्लियर करें, फिर उसके बाद 12 आवर्स के बाद आप इसे कर सकते हैं। ये मेरा चालान डाउनलोड हो गया है, यहाँ तरह से हम चालान डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा चालान डाउनलोड हो गया, ये हम बैंक में जाके फिल कर सकते हैं इसके थ्रू। 1500 रुपये जो कि हमारा 36 पेज का चार्ज है, 36 पेज वाले पासपोर्ट का। ये जब ही आएगा, जब हमारा पासपोर्ट पेमेंट क्लियर होगी, तभी हम यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेके अपने पासपोर्ट के लिए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। इस तरह से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आई होगी। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो इस फॉर्म में तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।